किससे रिड्यूस करेंगे स्प्रेइंग लीड एर्सनेट लीड एर्सनेट बहुत ही पॉइजन है सो बी केयरफुल विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज रिसोर्स ऑफ फैट ओके फैट का रिसोर्स सोर्स वाल नॉट प्रोटीन का रिसोर्स सोर्स ये कॉमन सा चीज है विच ऑफ द सिंगल सीडेड नॉट किसको सिंगल सीडेड नॉट आप बोलेंगे लीची होगा आंसर ओबियसली क्रिकेट बॉल इज एन इंप्रूव वेराइटी ऑफ क्रिकेट बॉल मतलब गोल जैसा सपोर्टा लिटिल लिफ ऑफ मैंगो इज ड्यू टू डेफिशियं ऑफ जिंक राइस में खाइरा डिजीज इज ड्यू टू डेफिशियं ऑफ जिंक ओके याद रखेंगे बरसराइड अमृत सागर बरसराइ डर ये किसका वेराइटी है ये ऑब्वियसली सभी को पता है मैंगो का वेराइटी है कॉमन सा चीज है सो साइट्रस फ्रूट में जो ग्रेन्युलेसन को चेक करने के लिए हम इसे यूज करते हैं आर्सनेट ऑफ लीड इसे आप स्प्रेइंग भी कर सकते हैं डस्ट डस्ट की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं पर यह पॉइजन है इसीलिए जिंक डेफिशिएंसी की वजह से मैंगो में लिटिल लिफ होता है साइट्रस में मोटल लीफ होता है येलो ब्लचेस होता है ग्रेस में भी लिटिल लीफ होता है याद रखेंगे जिंक डेफिशिएंसी। कौन सा साइट्रस मोनोम्रोनी के तो आंसर होगा मेलो मेलो पम मेलो याद रखेंगे टमारिन फ्रूट में आप तो देखे होंगे पॉड जिसको लोमेंटम भी बोलते हैं ओके टमारिन इंडिका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए

विटामिन बी बी टू राइबो किस फ्रूट में अवेलेबल है ज्यादा से ज्यादा आप ही बताइए बहुत ही कॉमन सा है बेल एगल मार्मेलस में ओके उसके बाद सिंग्रीन देखिए सिंग्रीन होता क्या है सिंग्रीन कॉलीफ्लावर का कॉलीफ्लावर का नहीं सिंग्रीन याद रखेंगे सिंग्रीन बहुत ही बच्चे कलीफ्लावर का मार देते हैं नहीं कैबेज का जो फ्लेवर है ना एक स्पेशल तरह का फ्लेवर है ओके okay, तो चाउमिन में डालते हैं कैबेज को कैबेज का एक स्पेशल फ्लेवर है उस फ्लेवर किस ग्लाइकोसाइड की वजह से हो रहा होता है सो so, वो ग्लाइकोसाइड का नाम है सिंग्रीन ओके okay. गोल्डन एकर प्राइड ऑफ इंडिया ये सारे एक्सप्रेस किसका इम्प्रूव वेराइटी है ओब्वियसली ये कैबेज का इंप्रूव वेराइटी है जिसमें ग्लाइकोसाइडिक सिंजिन पाया जाता है ऑप्टिमम सीड रेट फॉर कैबेज 400 बहुत ही ज्यादा अकॉर्डिंग टू कलीफ्लावर कलीफ्लावर में 300 टू 400 100 वन कम आप बोल सकते हैं या फिर कॉलीफ्लावर इक्वल टू कैबेज आप बोल सकते हैं ओके okay, पर कली फ्लावर में थोड़ा सा कम है कैबेज के कंपैरिजन में अब बटनिंग किसे बटनिंग इज फिजोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रहा हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे बटनिंग कैसा दिखता है और किस लिए होता है वो सारे देखेंगे बट कली फ्लावर में होता है इतना याद रखिए कलीफ्लावर होगा आंसर कुनवारी जेंट्सलो बलपुसा सिंथेटिक ये सारे वेराइटी है किसका कली फ्लावर का और ये जो रिसिनेस फ्यूजिनेस होलोस्टेम ये सारे जो फिजियोलॉजिकल डिजर्टर है ये भी कली फ्लावर का है याद रखेंगे कली फ्लावर का सो so, फ्लावर एंड कैबेज के बारे में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस किए देखिए मैंने जैसे कि मैंने बोला आपको जो कोकोनट में आपको मिलेगा 50 परसेंट टोटल फैट दैट इज 33 ग्राम पर 100 ग्राम ओके okay, पर 100 ग्राम ये सारे कैलकुलेट हुआ है पर हंड्रेड ग्राम कैलोरीज आपको मिलेगा थ्री फिफ्टी वन कैलोरी कोकोनट में देखिए कोकोनट सबसे अच्छा फ्रूट माना जाता है ओके okay, उसे आप जितना मर्जी उतना खाइए ये सारे के सारे सेचुरेटेड ओनली थ्री ग्राम अनसेटेड ओके छोड़ दीजिए उसे यहाँ पे आइए बटनिंग पे बटनिंग पे मैंने बोला था आपको बटनिंग यहाँ पे देखिए कली फ्लावर में बटनिंग हुआ है स्मॉल कॉर्स यहाँ पे कॉर्स स्मॉल मैं आपको बता देता हूँ कलीफ्लावर में कॉर्स एडिबुल है एंड कैबेज में हेड एडिबुल है याद रखेंगे सो so, आ, कब बटनिंग देखा जाता है वेजिटेटिव ग्रोथ चेक हो जाता है जब आप देखेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ अभी नहीं हो रहा है तभी आपको डाउट करना चाहिए बटनिंग इंड्यूस हो गया है तो पॉसिबल रीजन क्या है बहुत सारे रीजन है मे भी पहले तो रूट इंजरी हो सकता है इंसेक्ट पेस्ट की वजह से ओके okay, उसके बाद रॉन्ग कल्टीवर पर मे भी एल्ली वेराइटी की जगह आप लेट वेराइटी चूज कर ले इस तो फिर बटलिंग हो सकता है उसके बाद एक बहुत ही कॉमन सा चीज है ओवर एज सीलिंग अगर आप प्लांट करेंगे तभी बटलिंग का चांसेस है ओके okay, बैलेंस डाइट में कितना ग्राम वेजिटेबल लेना चाहिए एटलीस्ट देखिए मैं बता देता हूँ वेजिटेबल्स में फैट तो जीरो होता है एंड कार्ब्स एंड प्रोटीन विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में होता है तो फिर आप जितना चाहिए उतना खाइए एक दिन में आप दो किलो भी खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं पर बैलेंस डाइट में कितना 350 ग्राम याद रखेंगे 350 ग्राम बैलेंस डाइट में पर थ्री हंड्रेड ग्राम यहाँ पे तो ऑप्शन दिया है तो फिर इसे आप हाँ क्लिक कर लें एट लिस्ट भी दिया गया है ओके सो हिज विटामिन इज कॉल्ड क्वागुलेसन विटामिन दैट इज के और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन विटामिन ई ओके विटामिन सी होता है एस्क्रोबिक एसिड जो कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए रेटिनॉल ओके द एडिबल पोर्सन ऑफ कैबेज इज कैबेज का हेड कलीफ्लावर का कड फ्लेवर कैबेज ये तो सिंज्रीन होगा आंसर मैं बता चुका हूं ये तो मैं बता चुका हूं कलीफ्लावर होगा इसका आंसर एडिबल एडिबुलर्सन ऑफ ब्रूसलसप्राउड देखेंगे ब्रुसुलस प्राउड किस तरह का वेजिटेबल है कैसे हम इसको खाते हैं स्मॉल हेड और बॉड इसका एडिबल पोर्सन है इस वेजिटेबल्स का पूसा पर्पल लंगा पूरे क्रांति देखिए क्रांति पुसा क्रांति मतलब ब्रिंजल सील, सील मतलब ब्रिंजल, आप याद रख सकते हैं कुछ कुछ की पॉइंट आप याद रखिए ऐसे ये इसका है। जैसे कि मैंने पता लगा लिया से, ये सारे कलीफ्लावर में देखा जाता है ये एक्चुअली हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है हम सुपरफिशियलिस्ट सब कुछ स्टडी कर रहे हैं डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें नहीं आता है अगर आप कहीं पे आ, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तभी आप इसको यूज कर सकते हैं सो इसलिए आप चाहे तो पढ़ सकते हैं आप बॉड भी खाते हैं खाते हैं तो ये एक रेसिपी है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट है यू कैन ट्राई ब्रिंजल में लिटिल लिफ होता है हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे उसका डिटेलिंग पिक्चर ओके सो कौन सा वेराइटी वो जो लिटिलिप है ब्रिंजल से रेजिस्टेंस है तो याद रखेंगे पुसा पर्पल राउंड अगर राउंड हो जाएगा तभी लिटिल लिफ अटैक नहीं कर पाएगा इसे करके आप याद रख सकते हैं ओके रेड कलर इन चिली मतलब और जो टेस्ट जो आ, मतलब बहुत ही ज्यादा चिली टेस्ट है ना वो किसकी वजह से सिन की वजह से सी आई एन ये थिन थिन की वजह से ओके उसके बाद जानते हैं अगर सिन होता है तो टेस्ट और थीन होता है तो फिर रेड कलर ओके फॉर गेटिंग ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन चिल्ली का सीड रेट पूछा है तो आंसर होगा टू के जी पर हेक्टर याद रखिए पर हेक्टर याद रख सकते हैं क्योंकि चिल्ली बहुत ही छोटे छोटे सीड होता है ना तो इसीलिए ज्यादा सीड चाहिए टू के जी पर हेक्टर लिपकॉल वायरस इन चिल्ली होता है चिल्ली में लिपकॉल वायरस होता है ये तो एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया है. तो ये ट्रांसमिट किससे वजह से होता है व्हाइट फ्लाई इंसेक्ट की वजह से ये ट्रांसमिट होता है पुसा पुसा रूबी रूबी देखिए से मुझे पता चल गया ये टमाटो है ओके एंड ये सारे टमाटो का है स्वामी पुसा मखमली मखमली से मुझे पता चल गया ये ओकरा है पंजाब पद्मिनी ऐसे आप याद सकते हैं कई एक वेराइटी मतलब पॉपुलर वेरायटी को याद रखिए जैसे मखमली ओकरा रूबी टमाटो कलर इन टोमाटो इज ड्यू टू लाइको क्योंकि लाइको सिकम पता है ना सूट एंड फ्रूट बर इन ओकरा जोट एंड फ्रूट बर होता है ना हम देखेंगे पे, so हाँ, आपको में इसका आंसर होगा मनोगैलेक्टॉन मनोगैलेक्ट्रॉन लिटिल लिव ब्रिंजल के बारे में हम चाहें तो डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं लिटिल लिव इन ब्रिंजल एंड जो मैंने बोला था एरिस एरिस मैंने बोला था ना जो होता है हमारा किस क्रॉप में ओकरा में होता है ओकरा में होता है जो ओकरा में जो बोरोही होता है वो यही एरिस होता है ओके ओके कैल्शियम की की वजह से जो टमाटो में डिजीज होता है सभी को पता है बीई आर ब्लॉसम एंड रॉट हम पहले वाले एमसीक्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं कैट फेस आपको मिलेगा टमाटो में कैसे दिखता है क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे उक्रा बिलोंग्स टू फैमिली उकरा होता है मालवासी फैमिली से अ स्कुलेंटस ओके स्कुलेंटा होता है ना हट स्कुलेंटा सो मेलहसी ऑप्टिमम सीड रेट फॉर ओकरा अगर ओकरा पूछा जाए तो 8 टू 10 मतलब 10 राउंड फिगर 10 10 केजी पर हेक्टर ओकरा अगर क्लस्टर बिन पूछा जाए तो फिर डबल मीन मींस 50 टू 20 केजी पर हेक्टर याद रखेंगे ओके okay, ओकरा का डबल क्लस्टर बीन व्हिच काफिर नोन एज वेजिटेबल मीट मीट की वार्ड आता है तो काउपी तो सभी को पता है काउपी पुसा फाल्गुनी पुसा बरसाती पुसा दो, दो फसली देखिए दो फसली ऋतुराज ये मैंने याद रखा है दो फसली ऋतुराज आएगा तभी मैंने क्लिक करूंगा किसके ऊपर मैं क्लिक काओपी के ऊपर क्योंकि काओपी होता है ना वेजिटेबल मीट वही एक्चुअली ऋतुराज दो फसली ये सारे काओपी के वेराइटीज हैं ओके सो नेक्स्ट हम देखेंगे जो फ्रेंच बिन का वेरायटी है तो पैंट अनुपम कोमल ये मुझे पता नहीं याद रखना है कोमल अनुपम ब्लू लेक ये सारे फ्रेंच बीन ऐसे याद रख सकते हैं फ्रेंच में ब्लू लेक है ओके। आ, डिटेल में जानेंगे पे। ब्लसम यहाँ पे ब्लसम एंड्रॉट आपको मिलेगा एंड में कैसे हो जाता है ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है टोमाटो देखिए कैट फेस देखिए किस तरह <laughs> मतलब कैसे हो जाता है टमाटो में सो so, ये भी एक डिज, डिजीज है तो इट इज कॉल्ड कैट फेसिंग बिकॉज ऑफ अब क्रैकिंग अब क्रैकिंग की वजह से ये कैट फेस होता है एक्चुअली अगर कोई भी एक ड्रॉट कंडीशन के बाद अगर लॉन्ग टर्म ड्रॉट के बाद अगर आप इरिगेशन दे देते हैं टू मच इरीगेशन तभी ऐसा होता है नॉट ओनली टमाटो आप पीचेस में भी पाएंगे ऐप्पल में भी पाएंगे इवन ग्रेप्स में भी आपको मिलेगा पर टमाटो में बहुत ही ज़्यादा फेमस है अनफेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन की वजह से और टेम्परेचर की वजह से और पोर सॉयल की वजह से हो सकता है ओके थैंक यू